बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल द ई स्कॉलर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑटो कैड का लेसन फर्स्ट डिस्कस किया था लास्ट संडे को। उस लेसन में हमने पेज की बेसिक सेटिंग्स हमने डिस्कस की, हमने पेज की जो कस्टमाइजेशन है वो डिस्कस की थी, और उसके बाद हमने तीन बेसिक टूल्स ऑटो कैड के, जिनमें सबसे पहले लाइन था, लाइन का टूल हमने डिस्कस किया जहाँ से ये लाइन थी। फिर हमने लाइन की डायमेंशन चेक करने के लिए लीनियर डायमेंशन वाला टूल ये डिस्कस किया था, और सब फिर हमने ये लाइन को डुप्लीकेट करने के लिए हमने ऑफसेट का ये टूल ये डिस्कस किया था। आई गेस आपने पूरा, आपका पूरा वीक था, आपने उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया होगा। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने जो प्लॉट ड्रॉ किया था 30x50 का, उसको हम मजीद आगे से डिवाइड करेंगे रूम्स में, इसको हम इसकी प्लानिंग करेंगे, इसको हम इसमें रूम्स वगैरह डिस्कस करेंगे, आज ड्रॉ करेंगे, इसके हम लोग वॉशरूम वगैरह ड्रॉ करने का तरीका समझेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और चंद एक बेसिक जो मजीद दो टूल्स हैं वो हम इसको आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ मुझे मैसेजेस मिले थे कि इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आपको लिंक नहीं पता कहाँ से इसको हमने इंस्टॉल करना है ऑटो कैड को। तो जो इसका इंस्टॉलेशन लिंक जो होगा, मैं आप इस डिस्क्रिप्शन में इसको अपलोड करूंगा, इंसर्ट कर दूंगा, वहां से आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद आपने उसको, जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए रन करते हैं, वैसे ही आपने उसको इंस्टॉल करना है, उसकी लोकेशन सेट करनी है, उसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और ये आपने फर्स्ट टाइम अपने ट्रायल वर्जन इसका इंस्टॉल करना है। लेकिन जो डाउनलोड लिंक है वो मैं इंशाल्लाह इसकी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा जी। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब हमने, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ये लाइन ड्रॉ की, हमने उस लाइन को फिर डुप्लीकेट किया था 9 इंचेस पे, हमने 9 इंचेस को हमने ऑफसेट लिया था ताकि ये 9 इंचेस की दीवार शो हो, जहाँ पे 9 इंचेस की दीवार शो हो रही है। अब आप देखेंगे ये दीवार के जहाँ पे कॉर्नर्स पे ये दोनों लाइन का आगे से ये एक्सटेंडेड है, हालांकि ये दीवार अगर हो तो इस कोने, इस कॉर्नर तक इसको खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइन आगे यहाँ तक एक्सटेंडेड है, ये भी लाइन एंड तक एक्सटेंडेड है। तो आज हमने इसको डिस्कस करना है कि हमने इस आगे जो एक्सटेंडेड लाइन है, एक्स्ट्रा जो लाइन है, उसको हमने कैसे ट्रिम करना है इस लाइन में। उसके लिए हमारे पास जो टूल है वो है, हम दो टूल्स यूज करते हैं, नंबर वन है फिलेट, फिलेट और नंबर टू है ट्रिम। सबसे पहले फिलेट के लिए हम F को क्लिक किया, देखें हम F का जो शॉर्टकट किया वो F एंटर करेंगे, फिलेट लिखा गया, ये फिलेट लिख दिया, फिर हम इसको एंटर कर देंगे। अब हमारा ये सिलेक्ट हो गया है जो वाला टूल, फिलेट पे क्लिक किया हमने इस लाइन को और इन दोनों लाइन पे क्लिक कर दिया, तो वो आपस में यहाँ से कॉर्नर से एक्स्ट्रा लाइन से वो खत्म हो गई है। अगर हम इसको दोबारा वापस जाएं, हमने इसको करना है फिलेट नहीं करना, ट्रिम करना है, तो उसके लिए हमारे पास TR का शॉर्टकट की है। अगर आप साथ साथ लेसन को सुन रहे हैं तो आपको बेहतर है कि आप जो शॉर्टकट कीज हैं आप साथ नोट करते जाएं किसी पेज पे, ताकि वो आपको भूले ना। आप उसको देख लेंगे, ट्रिम के लिए TR की शॉर्टकट की है, वो आप इसको नोट कर लेंगे, TR इज फॉर ट्रिम, F फॉर फिलेट, O फॉर ऑफसेट, L फॉर लाइन, तो इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। अब ये ट्रिम है, हमने इसको ट्रिम को TR लिख के एंटर किया, जहाँ से या फिर जहाँ से हमने ट्रिम को सिलेक्ट कर लिया, अब हमने ये इतना हिस्सा ट्रिम करना है, उसको हमने क्लिक कर दिया, हमने इसको यहाँ पे ये ट्रिम का हिस्सा सिलेक्ट किया, वो इसकी लाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, फिर इसको हमने यहाँ पे ट्रिम किया तो ये रिमूव हो जाएगी। इस तरह अगर इस कॉर्नर की तरफ हम हमने इसको इतना हिस्सा ये ट्रिम कर दिया, तो ये दोनों टूल बार्स, फिलेट अगर हमें, फिलेट का हम टूल तब यूज करते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक ही कॉर्नर में दो लाइन क्रॉस कर रही हूँ, इंटरसेक्ट कर रही हूँ। आप आगे मजीद आपको इसका यूज आएगा समझ कि इसको कैसे करना है, लेकिन ट्रिम का यहाँ पे आप स्टार्ट में हैं, तो ट्रिम का जो आप शॉर्टकट या टूल यूज करेंगे वो यहाँ पे ज्यादा मौजूद है, ज्यादा सूटेबल है। अब हमने इसको ट्रिम कर लिया, दीवार आप देख लें, वायर वाली दीवार 30 फिट की थी, क्योंकि हम कोई भी प्लॉट ड्रा करते हैं तो प्लॉट के अपनी जो जमीन की हदूद होती है उसके अंदर दीवार बनती है, उसके बाहर दीवार नहीं बनती, इसलिए हमने इसको ऑफसेट इनसाइड लिया था, आउटसाइड नहीं लिया था। अब सबसे पहले इस लाइन का हमने ऑफसेट इनसाइड लिया, फिर जो एक्स्ट्रा लाइन उसको हमने ट्रिम कर दिया। अब हमने इसमें से देखें 30x50 का हमारे पास प्लॉट है, हमने इसमें से इसकी रूम बनाना है। आप देखें आपके पास
नॉर्मल जो कमरा है 13x15 फीट का होता है, हमने अपनी डायमेंशंस के प्लॉट के जो है पैमाइश है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिसाइड करना होता है कि हम एक्स एक्स पे 15 लेंगे या वाई एक्सिस पे 15 फीट की लेंथ लेंगे। पर अब हम देखिए, क्योंकि देखें ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये 50 फीट वाई एक्सिस पे है और 30 फीट एक्स एक्सिस पे है। अब हम जो 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 हमारी बड़ी पे डायमेंशंस होंगी, जो लाइनें होंगी वो वाई एक्सिस पे लेंगे। अब हम इसको करते हैं 15 फीट का। हमने क्या करना है, पहले ऑफसेट का ये टूल ऑफसेट सेलेक्ट किया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डिस्टेंस कितना, आपने कितने डिस्टेंस पे इसको लाइन का ऑफसेट लेना है, तो मैं कहता हूँ 15 फीट एंटर कर दिया। अब मैंने इस लाइन का जहाँ से इस तरफ से 15 फीट के डिस्टेंस पे ऑफसेट ले लिया। अब मैंने फिर से इसको एस्केप किया, अब इसको दोबारा ऑफसेट सेलेक्ट किया। अब क्योंकि ये एक कमरे की रूम की जो डायमेंशन 15 फीट इस लाइन पे आई खत्म हुई थी, इस लाइन से आगे हमने बाहर की तरफ 9 इंचेस की दीवार बनानी है। तो ये 9 इंचेस अब मैंने ये इस तरह से सेलेक्ट किया, एंटर किया, इस लाइन के नीचे की तरफ हमने इसका ऑफसेट लिया। अब ये हमारे पास ये कमरा, यानी कि जहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ये हमारे 15 फीट की डायमेंशन है। और ये देखें आप, जो यहाँ पे दीवार, क्योंकि यहाँ से इस तरफ टर्न हो रही है तो ये दरमियान में ये लाइन एक्स्ट्रा है, इसको भी हम क्या करेंगे, ट्रिम टी आर डबल एंटर करना है, दो बार ऐसे एंटर कर प्रेस करना है। तो फिर हमने यहाँ से इसको ये ट्रिम कर दिया, ये वाली चीज भी एक्स्ट्रा लाइन थी, इसको हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया। अब ये देख लो कि हमारे पास ये 15 फीट की यहाँ से यहाँ तक ये डायमेंशन है। इसको हमने चेक कैसे करना है, ये डायमेंशन लीनियर पे क्लिक किया, यहाँ से अब आपके, मैंने कहा बताया था आपको लास्ट के दो ऑप्शन है, या दोनों कॉर्नर पे क्लिक कर लें या सेंटर में लाके इसको दोबारा एक बार एंटर प्रेस करें, फिर बॉक्स बन जाएगा। अब इसको लाइन के ऊपर लाके बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये 15 फीट डायमेंशन शो करेगा। बार अभी हमें इस डायमेंशन की जरूरत नहीं, हमने बस वेरीफाई किया है कि हमारी ये वाकई 15 फीट का ये लाइन बनेगी या नहीं। अब 15 फीट क्लियर नजर आ रहा है तो इसको हम इसको एस्केप करेंगे, खत्म हो जाएगा। अब हमने वाई एक्स पे 13 फीट का रूम बनाना था। मैं दोबारा ऑफसेट का ये टूल सेलेक्ट करूंगा, ऑफसेट ऑफसेट जहाँ पे आके मैंने क्या किया, 13 फिट एंटर। अब यहाँ से इस तरफ ये 13 फिट है, दोबारा मैंने इसको एस्केप किया, ये 13 फिट का ये एक रूम जब यहाँ तक बन गया है। अब मैंने इसका दोबारा से 9 इंच की दीवार बनानी है, मैं फिर से ऑफसेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके इसका डिस्टेंस 9 इंच, क्योंकि दीवार 9 इंच की, अगर आप छोटी दीवार 5 इंच की बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे 5 इंच का आप ऑफसेट ले लें, लेकिन ज़्यादा जो सूटेबल है वो 9 इंच की ही दीवार होती है। 9 इंच एंटर। अब इस लाइन का मैंने ऑफसेट लेना है तो मैं इस साइड पे नहीं क्लिक करूँगा, मैं इस साइड पे लाइक क्लिक करूँगा राइट साइड पे, क्योंकि इस साइड पे 13 फीट का रूम का इनर जो एरिया है, इंटरनल साइड है, वो 13 फीट की होगी। अब जिसका मैंने ऑफसेट 13 फीट का ले लिया, दोबारा देखेंगे लाइन एक्स्ट्रा थी तो हमने दोबारा टी आर डबल एंटर करके ट्रिम कर। अब इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं, डायमेंशन लीनियर एंटर किया, इस लाइन को ये देखें, ये 13 फीट की थी फिर, और ये हमारे पास ये 15 फीट की, तो ये 13x15 का एक रूम हमने बना लिया। अब हमने इस दोनों को डिलीट किया, यहाँ से सिलेक्ट करके हमने देखना कि हमारे पास नेक्स्ट, अब ये कितनी जगह बची है, रिमेनिंग हमारी जो जगह है ये कितनी है, बस लीनियर इस यहाँ पे एंटर किया और इस पे हमने बॉक्स बन गया जो क्लिक किया। अब हमारे 14 फीट 9 इंच की ये जगह बची है, जो टोटल एरिया हमारे पास रिमेनिंग है इसमें, इस 30 फीट के हाउस में वो है, ये 13 फीट था तो आगे 9 इंच की दीवार से, अब ये कितना है, 14 फीट एंड 9 इंच, ये हमारे पास रिमेनिंग एरिया। हमें इसको प्लान करना कि इसमें हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं, ये दोबारा से ऑफसेट पे क्लिक किया, ऑफसेट इधर ला कर हमने डिस्टेंस कितना सिलेक्ट करना है, मैं कहता हूँ मैं 5 फीट का डिस्टेंस ऊपर से यहाँ नीचे की तरफ जी। अब फिर मैंने दोबारा डबल एंटर किया, 9 इंचेस लिखा और मैंने इस यहाँ पे जो 9 इंचेस की दीवार बना ली। अब जो मैं बताता हूँ कि ये मैंने क्यों, अब ये हमारे पास है, हमने इसकी वेंटिलेशन का भी हिसाब रखना है, तो ये एरिया हमारे पास ओपन रहेगा, जो ओपन रहेगा ओपन में हम क्या करेंगे, जहाँ पे इस तरफ इस रूम की खिड़की इस तरफ आ जाएगी, अगर हम जहाँ पे किचन या वॉशरूम बनाते हैं तो जहाँ पे इसका एक वो एग्जॉस्ट कह लें वो आ सकता है, इस तरफ हमारे पास वो वेंटिलेटर आ सकता है, इस तरफ हम उसको मैनेज कर सकते हैं। बहर जी हमारे पास ओपन स्पेस है रहेगी। फिर दोबारा से मैंने टी आर डबल एंटर किया, ट्रिम, इसको ट्रिम कर देना है। इस साइड पर भी हमने ट्रिम नहीं,
और इस साइड से हमने इसको ट्रिम नहीं करना अभी, क्योंकि ये जो है अभी हमने इस पे मजीद इसकी डिवीजन करनी है ओपन स्पेस की। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक हमारा बेडरूम था, ये हमने यहाँ पे ओपन स्पेस 5 फीट वाइड वो रख दी। अब इस साइड पे हमने क्या करना है, इसको हमने देख कहता हूँ कि मैंने इस साइड पे मुझे ओपन स्पेस चाहिए कितनी, मैं इसका ऑफसेट लूंगा, ऑफसेट मुझे ऑफसेट चाहिए यहाँ पे 3 फीट का, एंटर। मैंने इस तरफ से इस तरफ करके इसको ऑफसेट ले लिया। अब मैं इसको दोबारा ऑफसेट पे क्लिक करूंगा, क्योंकि अब मुझे मैंने दीवार शो करनी है इसकी 9 इंचेस की दीवार, एंटर किया और इस लाइन को मैंने इस साइड पे इसको ऑफसेट लिया 9 इंचेस का, क्योंकि मैंने ये 3 फीट की एग्जैक्ट जो है ना उसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग 3 फीट की ये ओपन स्पेस का मैंने ऑफसेट लिया था। अब ऑफसेट लेने के बाद अब जहाँ पे आप देखेंगे ये एक ये डबल लाइन है, ये भी डबल लाइन है, और ये बाद में अगर हम इसको ट्रिम करते हैं तो हमें ये काफ़ी टाइम लगेगा, TR डबल एंटर करके एक बार इसको ट्रिम करना पड़ेगा, एक बार इसको ट्रिम करना पड़ेगा और फिर इन दोनों को ट्रिम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे फिलेट टूल हम कैसे यूज करते हैं, अब ये लाइन्स हैं, हमने कॉर्नर से कॉर्नर तक इसको फिलेट करना है, तो हम F एंटर करेंगे, F एंटर फिलेट के लिए, और मैंने इस लाइन को इस लाइन के साथ फिलेट कर दिया। देखें वो लाइन्स टोटली ख़त्म हो गई हैं जो एक्स्ट्रा थी। फिर मैंने दोबारा सेलेक्ट किया फिलेट, F एंटर, इस लाइन को इस लाइन से फिलेट कर दिया। अब ये देख लें बिल्कुल ये कॉर्नर से कॉर्नर तक मिल चुके हैं, तो हमें डबल टाइम इसको ट्रिम नहीं करना पड़ा। अब ये था हमने इस साइड पे 5 फीट वाइड ओपन स्पेस रख दी, इस साइड पे हमने 3 फीट वाइड ओपन स्पेस रख दी। अब ये देखें हमने इस प्लॉट की डिवीजन कैसे की है, 30 फीट जो हमारा एक्स एक्सिस था उसकी डिवीजन कैसे की है, एक बेडरूम था 13 फीट बाई 15 फीट का, फिर हमने ओपन स्पेस 5 फीट वाइड रख दी। अब हमें देखना है कि ये हमारे पास जो जगह है इस ये कितनी डायमेंशन है इसकी, और ये हमारे किस काम आ सकती है। उसके लिए डायमेंशन चेक करने के लिए लीनियर डायमेंशन पे क्लिक किया, यहाँ पे सेंटर में लाकर इसको एंटर करना है, और ये हाँ ये देखें 11 फीट एक्स एक्सिस का डायमेंशन है इसकी, और वाई एक्सिस पे कितनी है 9 फीट 3 इंचेस। अब अगर तो ग्राउंड फ्लोर पे आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही सिंगल बेडरूम रहे और इतना ये सारा आपका हॉल हो जाएगा, नीचे एक ड्राइंग रूम आ जाएगा, तो फिर आप क्या करें इसको किचन के तौर पर इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नीचे हमारे पास ग्राउंड फ्लोर में 2 बेडरूम्स हों, फिर हमें इसको थोड़ा सा इसको डिलीट करके ये थोड़ा रूम को बड़ा करना पड़ेगा। और बड़ा कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इन लाइंस को डिलीट करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर दिया हमने, इस लाइन को क्या करना है, इस लाइन को फिलेट कर देना है इस कॉर्नर को इस लाइन के साथ इस तरफ से। तो ये हमारे पास ये बेडरूम तो हमारा कन्फर्म था ना, अब हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। 11 फीट हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, हमने दोबारा से इसको ऑफसेट लेना है, ऑफसेट डिस्टेंस मैंने कहता हूँ मेरे पास 9 फीट 3 इंचेस था, मैं इसको 13 फीट तक करना चाहता हूँ एक्सटेंड। मैंने इस लाइन का इस तरफ ऑफसेट लिया 13 फीट का, फिर मैंने दोबारा से ऑफसेट सेलेक्ट किया, मैंने अब 9 इंचेस की दीवार शो करनी है और इस लाइन का इस तरफ हमने इसको ऑफसेट ले लिया 9 इंचेस का। अब ये दीवार तो शो हो गई है, लेकिन हमने इस कॉर्नर्स को इस लाइन को मिलाना है ताकि इसका ये पूरा बॉक्स कम्प्लीट हो जाए। उसके लिए फिलेट का टूल बार है, फिलेट F एंटर, इस लाइन को इस लाइन के साथ हमने फिलेट कर दिया, फिर दोबारा से हमने F एंटर किया, इस लाइन को इस लाइन के साथ हमने फिलेट कर दिया, फिर दोबारा से F एंटर किया, इस लाइन को इस लाइन से फिलेट कर देना है, और फिर इस लाइन को इस लाइन से फिलेट कर देना है। अब देखें ये एक्स्ट्रा लाइन थी, इनको हम ट्रिम करेंगे, यहाँ पे TR डबल एंटर, इसको ट्रिम किया और इसको ट्रिम कर दिया। अब ये देख लें हमारे पास ये एक बेडरूम था बड़े वाला, जिसको हम कह सकते हैं मास्टर बेड भी कह सकते हैं या पेरेंट्स बेड कह सकते हैं, और ये साथ में हमारा ये छोटा बेडरूम है, इसको हम चाइल्ड बेड के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हमने क्या अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि इस प्लान को अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम प्लॉट को कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट 2 बेडरूम्स या ग्राउंड फ्लोर पर, हम 2 बेडरूम इससे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, और ओपन स्पेस हमारे पास रखनी यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें वेंटिलेशन का भी सिस्टम माइंड में रखना है। अब अगर जहाँ से हम इसको क्लोज कर देते, ये ओपन स्पेस ना रखते, तो ये क्रॉस वेंटिलेशन नहीं थी होनी, कमरे में हवा बहुत ज़्यादा हो जानी थी, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी तो उतना एक रूम जो है वो उनमें गर्मी और वो ज़्यादा होता है, हमारे पाकिस्तान के इन एरियाज में ये ज़्यादा इशू होता है हवा का। तो इससे निपटने के लिए हमने ओपन स्पेस रखनी ज़रूरी है, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे।
अब जो दो बेडरूम से हमने तीसरा जो हमने इसमें डिस्कस करना था वो है इसकी लेबलिंग। हमें हमें तो पता है कि हमने ये एक बेडरूम बना लिया है, ये दूसरा चाइल्ड बेडरूम है और ये ओपन स्पेस है, लेकिन अगर हमने किसी को ये प्रिंट आउट करके देना है तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीजें हैं। उसलिए हमने इसकी लेबलिंग करनी है। लेबलिंग करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ए टेक्स्ट का जो टूल इसको सिलेक्ट करना है इस बेडरूम के सेंटर में, इसको लेबल करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, बॉक्स बन जाएगा। अब हमने इसमें क्या करना है, ये लिखना है बेडरूम, फिर एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा जहाँ पे इसके हम डायमेंशंस लिखेंगे। डायमेंशंस लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस कितना था 13 फीट, फिर एक्स किया और फिर हमने क्लिक किया 15 फीट। ये हमने 13 फीट बाय 15 फीट का इसको लेबलिंग कर दी, ये बेडरूम था, इसे हमने ओके क्लिक कर दिया। अब दूसरा हमने इस बेडरूम को लेबल करना है, दोबारा से हम टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ला के इसको बॉक्स बनाएंगे, इधर हम लिखेंगे चाइल्ड बेड, एंटर किया, नेक्स्ट लाइन में आप इसके डायमेंशन क्या थी 11 फीट एक्स एक्सिस की और क्रॉस लगाया, फिर वाई एक्सिस की थी 13 फीट। ये 11 फीट बाय 13 फीट की इसकी डायमेंशन हमने इसका लेबल कर। ये तरीका होता है डायमेंशन लेबल करने का, पहले एक्स एक्सिस की डायमेंशन होगी ये देख सकते हैं आप, फिर वाई एक्सिस की डायमेंशन होगी क्रॉस लगाने के बाद। ये बेडरूम्स लेबल कर लिया। अब हमने तीसरी चीज यहाँ पे क्या बनाई थी, ये ओपन स्पेस हमने रखी थी। ओपन स्पेस में हमने क्या करना है, इसकी लेबलिंग के लिए दोबारा ए लिखा, यहाँ पे बॉक्स बनेगा, इसके एरिया में हम लिखेंगे ओपन, एंटर, नेक्स्ट लाइन में जाके यहाँ पे हमने एक्स और वाई एक्सिस नहीं लिखना, हमने जितना ये वाइड रखा है, हमने 5 फीट इसकी विड्थ रखी थी, हम लिखेंगे 5 फीट वाइड, ओपन है 5 फीट वाइड का, ओके कर। ये हमने तीन साफ की लेबलिंग कर दी, ये बेडरूम 13 फीट बाय 15 फीट का, ओपन 5 फीट वाइड था और चाइल्ड बेड था 11 फीट बाय 13 फीट। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही स्टार्ट, क्योंकि अभी आप बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं ऑटोकैड से, इतना वो फेमिलियर नहीं है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि स्टार्ट में बेसिक्स को अपनी को स्ट्रॉन्ग करें। तो जो जितनी आप इसको इस ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसके आप अपनी अपनी होल्ड आपका ज़्यादा होगा, कमांड आपकी ज़्यादा होगी, उतना आगे जाके आपके लिए आसानी होगी कमांड्स को याद करने में। तो जितनी मैंने कमांड्स आपको बताई हैं, जितना मैंने उनकी शॉर्टकट कीज़ बताई हैं, आप उनको साथ साथ किसी पेज पे नोट करते जाएं, ताकि आपको कल को कोई भूल भी जाए तो आप पेज से देख के उसको रिवाइज कर सकें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें देखेंगे हॉल की कैसे डिवीजन करनी है, और उसमें ड्राइंग रूम शो करना है, और उसके साथ में स्टेयर्स कैसे बनानी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था। आप जितना इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप यहाँ पे इसमें आपकी ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और आगे जाके आपको इसमें इशू नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप अभी जल्दबाजी करेंगे तो आपको कल को इसमें काफ़ी इशूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। इसको प्रैक्टिस करें और इस पर अपनी ग्रिप को स्ट्रांग करें। नेक्स्ट संडे तक, नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।